हेस्टर बायोसाइंस। इंडिया के अंदर दूसरा लार्जेस्ट पोल्ट्री वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है हेस्टर बायोसाइंस। साथ ही साथ कंपनी एनिमल हेल्थ केयर के ऊपर भी काम कर रहे हैं। उसी के साथ कंपनी यहाँ पे जो कोविड का वैक्सीन है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, जो महीने में 7 मिलियन डोज देने में सक्षम हो सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि हेस्टर बायोसाइंस के ऊपर जो एक चैलेंज दिखाई दे रहा है, कंपनी के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में। साथ ही साथ जानेंगे कंपनी के अंदर एक सॉल्यूशन है जो फ्यूचर में अच्छा साबित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप हेस्टर बायोसाइंस को डिटेल्स में रिसर्च करते हैं तो आपको पता होगा कि कंपनी का बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कंपनी का जो मेन प्रॉब्लम है वो है कंपनी के ऊपर मार्जिन। मार्जिन के ऊपर कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर फेस करना पड़ रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, क्वार्टर थ्री लास्ट ईयर से लेके क्वार्टर थ्री रिसेंट ईयर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वहाँ पे 10% का गिरावट दिखाई दे रहा है। जो पहले 68% का हुआ करता था वो गिरते हुए 57.62% में आ चुका है। साथ ही साथ ईबिटा मार्जिन आप देखेंगे तो वहाँ पे भी 10% का गिरावट आपको देखने को मिल रहा है क्वार्टर वाइज। अभी नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी 5% का गिरावट हेस्टर बायोसाइंस ने यहाँ पे दिखाया है। भाई पिछले 9 महीने का कंपेयर करते हैं, लास्ट ईयर 9 महीने का, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे तो लगातार गिरावट दिखाई दे रहा है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ईबिटा मार्जिन एज वेल एज नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो मार्जिन को लेके हेस्टर बायोसाइंस के अंदर एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कंपनी ने यहाँ पे कहा है कि कोविड के चलते यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बढ़ गया है, एक्सपेंस है कंपनी का वो थोड़ा सा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन फ्यूचर में इसको कंट्रोल करेगा ये भी कंपनी ने कहा है। लेकिन रिसेंट कंडीशन में मार्जिन एक बहुत बड़ा चैलेंज हेस्टर बायोसाइंस के लिए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप हेस्टर बायोसाइंस के अंदर सॉल्यूशन की बात करें, जो एक पॉइंट जो फ्यूचर में कंपनी का रेवेन्यू दिलाने में सक्षम होगा, जो फ्यूचर ग्रोथ दिलाने में सक्षम होगा, उसके बारे में जानते हैं। तो उसके बाद मैं सबसे पहले बता दूं कि कंपनी का जो बिजनेस है वो एक तंजानिया के अंदर बिजनेस है, जो अफ्रीका का मार्केट कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक डोमेस्टिक बिजनेस है। साथ ही साथ कंपनी का नेपाल के अंदर भी बिजनेस फैला हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं अफ्रीकन मार्केट की। तो अफ्रीकन मार्केट के अंदर रिसेंटली कंपनी ने यहाँ पे जो वैक्सीन फॉर प्लेग है उसके ऊपर काम कर चुके हैं, और वो जो फर्स्ट बैच का प्रोडक्शन है वो भी कंपनी बाजार में लॉन्च कर चुका है। उसका रिस्पांस भी बहुत बढ़िया आ रहा है, इसका रेवेन्यू ग्रोथ आप आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अफ्रीका के अंदर यहाँ पे जो और एक वैक्सीन का काम चल रहा है जो है CBPP, जो कैटर रिलेटेड डिजीज को टेक केयर करते हैं। और कंपनी का विजन है कि तंजानिया के थ्रू जो अफ्रीकन मार्केट है उसके अंदर एक लीडिंग जगह बनाने के लिए। और इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पे भी हेस्टर बायोसाइंस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी जब बात करें नेपाल का, कुछ दिन पहले नेपाल के अंदर कोविड के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, लेकिन वो हालत सुधरते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो PPR वैक्सीन ये सब Q4 2022 तक लॉन्च हो जाएगा नेपाल के अंदर, तो उसका जो टर्नओवर है वो आगे आने वाले फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.